हेलो एवरीवन, दिस इज़ मयंक नागपाल, योर केमिस्ट्री टीचर, एंड यू आर वाचिंग मी ओनली ऑन योर यूट्यूब चैनल इंस्पायर फॉर यू। स्टूडेंट, आपकी इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं क्योंकि आपकी डेट शीट अनाउंस हो चुकी है। अभी 5 बजे आपकी डेट शीट अनाउंस हो चुकी है और आपकी डेट शीट का शेड्यूल मेरे पीछे है जिसको मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। बेसिकली आपका जो एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं वो 6 मई से हो रहे हैं और 6 मई को जो आपका फर्स्ट एग्जाम है दैट इज़ इंग्लिश का एग्जाम है। और उसके बाद जस्ट जंप हुआ है 4 दिन का, यानी 4 दिन का गैप मिल गया आपको, 4 डेज़ का गैप मिला है, यानी 6 मई के बाद आपको 10th मई में जो एग्ज़ाम अटैम्प्ट करना है वो आपका हिंदी का होगा। वहीं पर अगर हम फिर नेक्स्ट एग्जाम की बात करें तो 15th मई को, यानी 5 दिन का गैप, फिर दोबारा आपका 15th मई में है, यानी 5 दिन के गैप के बाद आपको साइंस कवर करनी है। इन शॉर्ट, साइंस के लिए आपको बहुत अच्छा टाइम मिला है, आप बहुत अच्छे से उसको कवर कर सकते हैं क्योंकि ये 2 थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है और उसके बाद एक लॉजिकल सब्जेक्ट आया है आपका, तो काफ़ी अच्छा टाइम पीरियड मिला है आपको साइंस को कवर करने के लिए। उसके बाद अगर हम बात करें 17th मई में, तो स्टूडेंट 17th मई में पेंटिंग का एग्ज़ाम है। बेसिकली सब स्टूडेंट के पास पेंटिंग नहीं होती है, तो जनरली यहाँ पर पेंटिंग है 17th मई को, और 18th मई को म्यूज़िक है। तो पेंटिंग और म्यूज़िक 10th लेवल पर बहुत कम स्टूडेंट के पास होता है, तो आप सीधा जंप करेंगे यहाँ पर ऑलमोस्ट साइंस से फिर मैथ पे ही पहुँचेंगे। लेकिन फिर भी जिन स्टूडेंट्स के पास पेंटिंग है तो वो 17th मई को उनका कवर होगा। 18th मई को म्यूज़िक का एग्ज़ाम है आपका। वहीं 20th मई को अगर हम बात करें तो होम साइंस का एग्ज़ाम है। और वैसे जो बच्चों के मेन सब्जेक्ट होते हैं वो हिंदी, इंग्लिश और साइंस होता है। उसके बाद अगर हम जंप करें तो सीधा मैथ्स पर पहुँचते हैं, जो मैथ्स आपका बेसिक भी और स्टैंडर्ड भी 21st मई को होने वाला है। यानी अगर हम यहाँ 15th मई से 21st मई की बात करें तो पूरा 1 हफ्ते का टाइम मिला है आपको साइंस से मैथ्स के बीच में, तो बहुत अच्छे से आपका मैथ्स कवर होने वाला है। मींस बहुत बहुत बढ़िया डेट शीट आई है आपकी, और इस बार तो बल्ले बल्ले हो गई आपकी डेट शीट के साथ। अगर हम बात करें तो 21st मई के बाद, तो आप 27th मई में देखें कि 27th मई में सोशल साइंस को कवर कर रहे हैं हम लोग, तो 1 हफ्ते का टाइम सोशल साइंस में। बेसिकली 10th के स्टूडेंट हैं आप लोग, तो सोशल साइंस से काफ़ी डर लगता है, लेकिन अब आपका डर और फियर सारा दूर हो जाएगा क्योंकि 1 हफ्ते में बहुत अच्छे से सोशल साइंस का सिलेबस बहुत इजीली कवर हो पाएगा आपका। तो 21st के बाद 27 को आपको सोशल साइंस कवर करना है। इन शॉर्ट, अगर हम बात करें कुछ दूसरे सब्जेक्ट्स की जो कुछ ही बच्चों के पास होते हैं, तो लेकिन अगर हम बात करें IT की, तो IT आपका 29th मई को IT का एग्ज़ाम होने वाला है। और अगर कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी CS की बात करते हैं, कंप्यूटर साइंस की बात करते हैं, जो भी आप उसको प्रोनाउंस करते हैं, तो वो 7 जून को होने वाला है। तो इन शॉर्ट आपकी डेट शीट इतनी अच्छी है कि आपको हर बेसिक और एक स्टैंडर्ड एग्ज़ाम में बहुत बड़ा गैप मिलने वाला है और बहुत अच्छे से आपकी तैयारी होने वाली है। होप आप बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे, एक एग्ज़ाम की स्ट्रैटेजी बनाइए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।